हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुधांशु और आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम KGF मूवी का जो फेमस BGM है, टू 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 टू, ये वाला जो BGM है, इसका ट्यूटोरियल मैंने आपके लिए बनाया है, जिससे कि आप लोग बहुत इजीली ये वाला ट्यूटोरियल सीख पाएँ और वो फेमस ट्यून को अपनी फ्लूट पर बजा पाएँ। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बजा के दिखाऊंगा और मैं F स्केल की छज्जू फ्लूट यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास कोई भी फ्लूट हो, आप वो फ्लूट यूज़ कर सकते हैं, किसी फ्लूट पे से बजा सकते हैं। बस आपका हाई ऑक्टेव अच्छा होना चाहिए और थोड़ी बहुत ऑर्नामेंटेशन आनी चाहिए। तो थोड़ा सा ये इजी भी है, थोड़ा सा टिपिकल भी है। आप लोग देखिएगा कि आपसे बच पाता है नहीं। मैं बहुत इजी वे में इसको बताने की कोशिश करूँगा। सारी नोटेशंस यहाँ पे आ जाएंगी, बहुत इजी नोटेशंस हैं और हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बजा के दिखाता हूँ कि कैसा सुनाई देता है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बजाया जाएगा। तो ये छोटा सा है, बहुत छोटा सा, 1 मिनट का भी पूरा नहीं है, लेकिन इसको आप बार बार रिपीटेटिवली बजाएंगे तो ये एक बड़ा BGM बन जाएगा और आपको बजाने में मज़ा आएगा। लेकिन इसमें लंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा ही ये हाई ऑक्टेव में बजाए। तो मैं आपको इसको एक एक लाइन करके धीरे धीरे इसको समझाता हूँ पूरी नोटेशंस के साथ। यहाँ पे नोटेशंस आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो माँ से स्टार्ट करना है। माँ से मतलब शुद्ध माँ से या आपको तीव्र माँ से, आप किसी भी माँ से उसको स्टार्ट करेंगे तो प्रेफरेबल रहेगा कि आप तीव्र माँ से स्टार्ट करिए। तीव्र माँ से आपको डायरेक्ट धा पे आना है, तो इतनी बड़ी जंप आपको करनी आनी चाहिए और आपको हाई ऑक्टेव में आना है। तो तीव्र माँ से माँ धा के बाद धनी नी करना है आपको। कैसे, मैंने धीरे करके दिखाया है। माँ धनी धनी नी पे आपको रुकना है। ऐसे करना है आपको, मतलब टंगिंग टेक्निक आपको आनी चाहिए नीनी के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, माँ धनी धनी ऐसे करना है, इस तरह से इसको तेज करना है। जितनी तेज आप करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए बार बार माँ धनी नी माँ धनी नी माँ धनी, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस आप बार बार कर सकते हैं। माँ धनी धनी माँ धनी धनी माँ धनी धनी, बार बार इसको करेंगे तो ये आपके हाथों पे सेट हो जाएगा और आराम से आप बजा पाएंगे। ये करने के बाद आपको इंस्टेंटली इसके बाद टंगिंग स्टार्ट करनी नी पे, और इसकी टंगिंग का पैटर्न हर लाइन में थोड़ा अलग है। मतलब फर्स्ट और थर्ड लाइन में सेम है, लेकिन बीच की जो लाइन है जिसमें नीनी की टंगिंग करनी है, पूरी नोटेशन यहाँ पे लिखी आएंगी, तो उसमें टंगिंग का पैटर्न अलग है। तो टंगिंग के पैटर्न पे आपको ध्यान देना है और नीनी को टंगिंग कैसे करनी है। माँ धनी धनी के बाद, उसके बाद ऐसा करना है नी नी नी। आप उस ट्यून को बार बार सुनिए और रिदम को दिमाग में बिठाइए। फिर नी 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 के बाद एकदम से आपको बहुत तेज स्पीड में करना है रे सा नी धा, नी 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 रे सा नी धा, ऐसे। इस तरह से करना है। जब पूरा एक साथ बजेगा तो कैसा सुनाई देगा, ऐसे। और इसकी कॉन्टिन्यूशन में ही उसी ब्रेथ में आपको सेकंड जो नीनी वाली टंगिंग उसको करना है, और इसमें जो तीन नीनी है स्टार्टिंग के, दो नी की टंगिंग आपको अलग करनी है पिछले वाले की तरह, जिसमें नी 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 कर देते, इसमें नी नी नी, इसमें ऐसे करना है। और यहाँ पे करना है वहाँ पे नी 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 कर रहे थे, थू 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 कर रहे थे, यहाँ पे थू 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 ऐसे करना है। मतलब दो जो नी है वो साथ होंगे और एक नी हल्के से पॉज के बाद बजेगा। तो फर्क है दोनों लाइन में, और थर्ड लाइन फिर वो रिपीट हो जाएगी। तो ये कॉन्टिन्यूशन में जब पूरी ये 4 लाइन बजेंगी, मा धनी धनी नी 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 नी, फिर रे सा नी धा नी 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 रे सा नी धा नी 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 रे सा नी धा, जब ये 4 लाइन एक साथ बजेंगी तो
तो यहाँ पूरी नोटेशन एक साथ लिखी आ रही है, तो आप पूरा देख सकते हैं। छोटी सी ट्यून है तो हम पूरी नोटेशन एक साथ यहीं पे लिख दी है, एक एक लाइन करके आप देखिए। फर्स्ट लाइन है मा धनी धनी ये वाली लाइन, उसके बाद नी 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 रे सा नी धा, नी नी रे सा नी धा, नी 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 रे सा नी धा। तो अब इसकी जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन बची, लास्ट लाइन को हम कैसे बजाएंगे? लास्ट लाइन की जो नोटेशंस हैं वो है नी सा रे रे गा रे सा। तो कैसे बजाएंगे? नी सा रे रे गा रे सा। रे गा रे जो यहाँ पे आपको खटका लेना है, रे गा रे में खटका जब आप लेंगे, रे गा रे रे गा रे रे गा रे, इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ पे सेट हो जाएगा। तो कैसे बजाएंगे? नी सा रे गा रे सा। अब पूरा कैसे सुनाई देगा? पूरा बजाएंगे, चारों पांचों लाइन जब एक साथ आप बजाएंगे, एक ही गो में बजाएंगे, तो कैसे सुनाई देगा? और इसके बाद अब इसको पूरा रिपीट कर सकते हैं, सेकेंड लाइन से दोबारा रिपीट कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन दोबारा से रिपीट नहीं होगी। तो मतलब आप कैसे बजा सकते हैं? फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद दोबारा से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बजा सकते हैं बार बार, और ये पूरा आपका बीजीएम बार बार बजता रहेगा और बहुत ईजी है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को, और इसको मेरे को बताएं अगर आपको इसमें कुछ डिफिकल्टी आती है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको सॉल्व करने की। बहुत ईजी है, बस आपको खटका ऑर्नामेंटेशन आनी चाहिए, तार सब तक आपका अच्छा होना चाहिए, टंगिंग आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो बहुत आराम से आप इसको बजा सकते हैं, बहुत ईजी नोटेशन है और बहुत फेमस ट्यून है। इसको बजाइए, इसके मज़े लीजिए और अपने दोस्तों को सुनाइए, और मेरी इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए जो जो इसको सीखना चाहते हैं। बहुत इजी नोटेशन है, और आप मेरे को बताइए कि अगर आपसे बजा या नहीं बजा। तब तक सीखते रहिए मेरी वीडियो से, और फिर अगली वीडियो मिलते हैं।